नमस्कार, लॉयर ई न्यूज़ की एक और वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चेक बाउंस केस के ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया, जिसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर सेक्शन 143A के अंडर जो इंटरिम मेंटेनेंस 20% अक्यूज्ड को जमा करवाने होते हैं, अगर वो ना करवाए किसी वजह से भी, तो क्या उसका क्रॉस एग्जामिन का राइट ख़त्म हो जाता है और जिसके कारण अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो सजा के अंदर निकलता है। तो अभी रिसेंट एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नूर मोहम्मद वर्सेस खुराराम के अंदर। इसके अंदर 2 अगस्त को ये 2022 के अंदर डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के एक्चुअल के अंदर फैक्ट्स ये थे कि कंप्लेनेंट ने अक्यूज से 7 लाख रुपए लेने थे, जिसको लेके उसने चेक लगाया जो कि बाउंस हो गया। आफ्टर दैट जो है नोटिस दिया, और जब नोटिस के ऊपर पैसे नहीं आए उसके, तो उसने 138 के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी। उसके बाद उसने इंटरिम कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसके अंदर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वह 20% कंपनसेशन अमाउंट जो है जमा करवाए, परंतु अक्यूज्ड वह अमाउंट जमा कराने के अंदर फेल रहा। अब उसके बाद जब कंप्लेनेंट ने अपनी एविडेंस करवाई, एज ए विटनेस अपीयर हुआ, तो अक्यूज ने एप्लीकेशन मूव की उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने वह एप्लीकेशन यह कहते हुए डिक्लाइन कर दी कि आपने अभी तक 20% जो कंपनसेशन अमाउंट है वो जमा नहीं करवाई, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और अल्टीमेटली उस केस के अंदर अक्यूज्ड को सजा हो गई। जिसके बाद अपील के अंदर वो सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट ने भी उसी ऑर्डर को अपहेल्ड किया, कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, सेम रिजल्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रहा। उसके बाद जब वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के अंदर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया और ये कहा कि जो कंपनसेशन अमाउंट है अगर वो जमा नहीं करवा पाता, तो इस केस के अंदर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट से डिबार नहीं किया जा सकता, उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिन स्टिल एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए जो ये ऑर्डर पास हुआ है वो गलत है, और जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको अगर रिकवर करना है तो उसका अलग प्रोविज़न जो है, पूरी व्यवस्था वो CRPC के अंदर दी गई है कि जैसे फाइन को रिकवर किया जाता है, इन सेम वे ये कंपनसेशन अमाउंट रिकवर की जा सकती है, पर इस वजह से उसको किसी तरह से भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट जो अक्यूज्ड गए वो ख़त्म नहीं होता। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।